जाकिर नाइक दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकी और अमेरिका के हाथों मारे गए ओसामा बिन लादेन को आतंकी नहीं मानता है। एक भाषण में जाकिर ने कहा था, अगर लादेन दुनिया के सबसे बड़े आतंकी अमेरिका को आतंकित कर रहा है तो मैं उसके साथ हूँ और हर मुसलमान को ऐसा आतंकी होना चाहिए। नाइक ने तब बोला था कि अमेरिका को आतंकित करने वाला लादेन इस्लाम का पालन कर रहा है और वो इस्लाम के दुश्मनों से लोहा ले रहा है। जाकिर नाइक कई बार हिंदू देवी देवताओं के बारे में भी जहर उगल चुका है। जाकिर अपने भाषणों में कहता फिरता है कि हिंदू को अपने भगवान के बारे में पता ही नहीं। कोई कहता है उनके एक भगवान है तो कोई कहता है 33 करोड़ उनके देवी देवता है। जब हम कोई आम हिंदू से पूछते हैं, आप कितने खुदाओं में मानते हैं, 33 करोड़। जाकिर नाइक ने अपने भाषण में हिंदुओं को चुनौती देते हुए यहाँ तक कह दिया था कि वो गणेश को भगवान साबित करके दिखाएं। जाकिर नाइक ने इस्लाम के बारे में कहा कि इनसे अच्छा तो इस्लाम के खुदा है जो सिर्फ एक ही है। अपने जहरीले बोल से देश दुनिया में नफरत का पाठ पढ़ाने वाला जाकिर नाइक मुस्लिमों को हत्या और कत्ल के बारे में उकसाता रहता है। जाकिर नाइक अपने एक भाषण के दौरान कुरान का हवाला देते हुए जहर उगला है कि आप जहां भी काफिरों को पाओ उनका कत्ल कर दो। और जब आप कुरान मजीद खोलेंगे और देखेंगे सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें बराबर यही लिखा है कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल। जाकिर नाइक किस कदर मुस्लिमों में जहर भरता है उसके बयानों से जाहिर होता है। इस्लामिक धर्मगुरु का चोला ओढ़कर जाकिर न सिर्फ नफरती पाठ पढ़ता है बल्कि कैसे मुस्लिमों को बरगलाया जाए इसके लिए वो दिन रात जुटा रहता है। इन्हीं नफरती बयानों की वजह से कई देशों में जाकिर नाइक और उसका पीस टीवी बैन हो चुका है। जाकिर नाइक हिंदुओं से कितनी नफरत करता है उसके जहरीले बोल से इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसका मानना है कि सिर्फ मुस्लिम ही शहीद होने पर जन्नत नसीब कर सकते हैं। अगर कोई हिंदू शहीद हुआ तो उसे जन्नत हासिल नहीं होगी। तो अगर एक हिंदू अपने बुत को छोड़ के एक खुदा के लिए गवाही देते मरता है तो वो हिंदू मुसलमान बन जाता है और वो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा। लेकिन अगर वो अटल है अपनी बुत परस्ती पे और फिर मरता है, उसका मतलब वो शहादत दे रहा है नहीं एक अल्लाह के ऊपर, वो जन्नत में नहीं जा सकता है। जाकिर नाइक हिंदुओं की मूर्ति पूजा से इतना चिढ़ता है कि वो मुस्लिमों को भड़काने के लिए ही कहता फिरता है कि मूर्ति पूजा करने वाले हिंदू अगर शहीद होते हैं तो उन्हें जन्नत नसीब नहीं हो सकती। मुस्लिमों के बीच जाकिर नाइक के यही नफरती बोल जहरीले तौर पर आए दिन सामने आते रहते हैं। भारत से भगोड़ा इस्लामिक धर्मगुरु जाकिर नाइक धर्मांतरण के धंधे में शामिल रहा है। अपने जहरीले बोल से वो धर्मांतरण का धंधा भी खूब फैला रहा था। धर्मांतरण के मसले पर नाइक अपने भाषणों में कहता था कि इस्लाम छोड़कर दूसरा धर्म भूलने की सजा सिर्फ मौत है। नाइक ये भी कहता था कि मुस्लिम देशों में किसी अन्य धर्म में विश्वास रखने वाले को पूजा स्थल बनाने की इजाजत नहीं है। नाइक के मुताबिक सच्चा धर्म सिर्फ इस्लाम है जबकि बाकी धर्म सच्चे नहीं है। नाइक पर भाषणों के जरिए धर्मांतरण को बढ़ावा देने का आरोप भी खूब लगता रहा है। जाकिर नाइक और उसकी संस्था लंबे समय से धर्म परिवर्तन कराने में जुटी रही है। चौंकाने वाली बात यहाँ पर यह है कि धर्म परिवर्तन कराए गए कई युवाओं का आतंकी कनेक्शन भी सामने आया है। केरल में जिन युवाओं का धर्म परिवर्तन कराया उनमें से 24 युवा आईएसएस के आतंकवादी बना दिए गए थे। इन 24 युवाओं का जाकिर नाइक की संस्था से जुड़े लोगों ने धर्म परिवर्तन कराया, फिर ये आईएसएस ज्वाइन करने के लिए केरल से अफगानिस्तान भेजा गया था। अफगानिस्तान में आईएसएस के लिए लड़ने के लिए ये आतंकवादी मुंबई में जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के दफ्तर में लगातार आते जाते थे। हिंदू के मानी क्या पता है? देश की होम मिनिस्ट्री ने जाकिर नाइक को लेकर बड़े खुलासे किए। इसमें एक खुलासा धर्म परिवर्तन से भी जुड़ा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की 115 पेज की रिपोर्ट के पन्नों में जाकिर नाइक के आतंकवाद वाले सीक्रेट धंधे के ऐसे सबूत दिए गए हैं जो बताते हैं किस तरह से जाकिर नाइक और उसके आदमी इस्लामिक धर्म प्रचारक की आड़ में पहले धर्म परिवर्तन करवाता था। रिपोर्ट में केरल के क्रिश्चियन युवाओं के बारे में जिक्र किया गया जिन्हें जाकिर नाइक ने इस्लाम कबूल करवाया था।
देश की जानी मानी इंटरनेशनल टेनिस स्टार खिलाड़ी सानिया मिर्जा के स्कर्ट को लेकर भी टिप्पणी ये कर चुका है। कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम संगठनों ने जब सानिया को ऐसा लिबास नहीं पहनने का फतवा जारी किया था तो जाकिर नाइक ने इसे सही ठहराया था। नाइक ने कहा था कि टेनिस स्टार के मुस्लिम होने की वजह से उन्हें ऐसे कपड़ों की जगह शालीन कपड़े पहनने चाहिए। इस बहाने जाकिर ने भारतीय हिंदुओं को लेकर भी जहर उगला। जाकिर ने कहा था कि क्या हिंदू नेता बीच वॉलीबॉल जैसे स्पोर्ट्स में अपनी बेटियों को बिकनी पहनने देंगे। जाकिर नाइक हमेशा से भारतीयों का, खासकर हिंदुओं को लेकर अपने भाषणों में जहर ही उगलता नजर आता है। यही वजह है कि उसे सिर्फ नफरत फैलाने वाले शख्स के तौर पर ही देखा गया। जाकिर नाइक उस वक्त भी जहरीले बोल बोलकर सुर्खियों में आया जब उसने मुस्लिम देशों से अपील की कि पैगंबर की आलोचना करने वाले भारतीयों को जेल में डाल दिया जाए। मुस्लिम देशों से नाइक ने अपील की थी कि पैगंबर की आलोचना करने वाले भारतीय लोगों का एक डेटाबेस तैयार किया जाए ताकि जब वो इस्लामी देशों की यात्रा करें तो उन्हें अरेस्ट किया जा सके। भगोड़े जाकिर नाइक का जहरीला फेसबुक पोस्ट भी सामने आ चुका है जिसमें उसने इस्लामिक देशों के मुस्लिमों को भड़काने के लिए लिखा था कि जो भी अल्लाह के दूत को गाली देगा उसे दर्दनाक सजा मिलेगी। ये फेसबुक पोस्ट जाकिर नाइक ने तब डाला था जब फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद के कार्टून का मुद्दा खूब उछला था। उस दौरान मुस्लिमों को भड़काने के लिए नाइक ने फेसबुक पोस्ट का सहारा लेते हुए पैगंबर के बारे में बुरा कहने वालों को सजा देने की बात कही थी। हालांकि जाकिर नाइक ने इसे बाद में हटा लिया था लेकिन उसका मकसद लोगों में नफरत फैलाना ही था। जाकिर नाइक महिलाओं के बारे में भी कई शर्मनाक बयान दे चुका है, ऐसे बयान जो दुनिया में कहीं भी जायज नहीं ठहराए जा सकते। मुस्लिमों के दिमाग में गलत सोच डालने के लिए जाकिर नाइक ने अपने एक भाषण में कहा था कि मुस्लिमों को अपनी महिला गुलामों के साथ सेक्स करने का पूरा अधिकार है। जाकिर ने अपने जहरीले बोल में यहाँ तक कहा कि मुस्लिम जगत में पत्नियों की पिटाई बुरी बात नहीं है। जाकिर पश्चिमी देशों पर निशाना साधते हुए कहता था कि पश्चिम के देश महिलाओं की आजादी के नाम पर अपनी माँ बेटियों को बेच रहे हैं। भारत से भगोड़ा जाकिर नाइक हिंदू मंदिरों से भी बेइंतहा नफरत करता है। इसकी तस्दीक तब हुई जब पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की गई। पाकिस्तान में मंदिर को तोड़ने को लेकर जाकिर नाइक ने अपना पूरा समर्थन दिया था। नाइक ने अपने एक बयान में कहा था कि इस्लामिक देशों में मंदिर नहीं होने चाहिए और अगर इस्लामिक देशों में मंदिर है तो उसे तोड़ दिया जाना चाहिए। नाइक ने जहर उगलते हुए ये भी कहा था कि जब मोहम्मद काबा से लौटे थे तो उन्होंने 360 मूर्तियां तोड़ी थी जो काबा में थी। जहरीले जाकिर नाइक का नाम बांग्लादेश आतंकी हमले में भी सामने आया था। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुए विस्फोट के बाद जब जांच हुई तो ढाका हमले में मारे गए 6 में से 2 आतंकी निब्रास इस्लाम और रोहन इम्तियाज जाकिर से इंस्पायर थे और वो उसकी स्पीच सुनते थे। पता चला कि जाकिर नाइक के बयानों से प्रभावित होकर हमले को अंजाम दिया है। जाँच में ये भी जानकारी सामने आई है कि आतंकी इम्तियाज ने जाकिर की स्पीच को फेसबुक पर शेयर भी किया था। के बाद ही भारत सरकार ने इस मामले में एक्शन लिया और जाकिर नाइक के एनजीओ को बैन कर दिया। भगोड़े जाकिर नाइक के भाषण लोगों को भड़काने वाला रहा है। भारत से भागने के बाद मलेशिया में उसने बयान दिया था कि दुनिया के सभी मुस्लिम देश पैगंबर मोहम्मद की आलोचना करने वाले भारत के गैर मुस्लिमों को उनके देश में आने पर जेल में पहुंचा दें। जाकिर के निशाने पर बीजेपी के वो नेता थे जो खुलकर उसका विरोध किया करते थे। जाकिर ने सऊदी अरब, इंडोनेशिया समेत मुस्लिम देशों के ऐसे भारतीयों का डेटाबेस बनाने की बात कही ताकि जब वो इस्लामी देशों की यात्रा करें तो उन्हें अरेस्ट किया जा सके। धर्म प्रचार की आड़ में जाकिर नाइक बगदादी ब्रिगेड को भारत से आतंकी सप्लाई करने का मैनेजर बन गया था। यही कारण है कि जाकिर के खिलाफ तमाम एजेंसियां अलग अलग एंगल से जांच कर रही हैं। इन एजेंसियों को टेरर फंडिंग से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग तक के सबूत मिले हैं। यही कारण है कि जाकिर नाइक के संगठन IRF को 5 साल के लिए बैन कर दिया गया। NIA ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच की थी। जाकिर नाइक और उसकी संस्था पर गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने और धार्मिक समुदायों के बीच नफरत पैदा करने के गंभीर आरोप भी लगे थे। देश में आर्थिक अपराधों की जाँच करने वाली एजेंसी ED जाकिर नाइक की संस्था पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जाँच कर रही है। मुंबई में नाइक की संस्था में तमाम दफ्तरों पर भी शिकंजा कसा जा चुका है।
कुरान हदीस की बात करने वाले जाकिर पर विदेशों में मोटी फंडिंग लेने और फिर उसे हवाला के जरिए अलग अलग खातों में भी पहुंचाने के आरोप हैं। जांच एजेंसियों के पास इस मामले में भगोड़े जाकिर नायक के खिलाफ पुख्ता सबूत भी हाथ लगे हैं। गोरखनाथ मंदिर में पीएसी जवानों पर धारदार हथियार से हमला करने के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी के हमले के बाद जब जांच की गई तो इसमें भी जाकिर नायक का नाम सामने आया था। यूपी एटीएस की जांच में पता चला कि मुर्तजा विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नायक से बहुत प्रभावित था। मुर्तजा के मोबाइल और लैपटॉप में जाकिर के वीडियो मिले थे। वो अक्सर जाकिर की तकरीरों को सोशल मीडिया पर सुना करता था। इस घटनाओं से साफ है कि मलेशिया में छिपकर बैठा जाकिर नायक भारत में अशांति फैलाने की कोशिशों में जुटा है। जाकिर नायक भले ही भारत से भाग गया हो पर मलेशिया में बैठकर भी वो जहर उगलने से बाज नहीं आ रहा है। छिप छिपा कर वो भारत विरोधी एजेंडा चलाने से बाज नहीं आ रहा। जानकारी के मुताबिक जाकिर नायक मलेशिया का स्थायी निवासी है, लेकिन राष्ट्र सुरक्षा का हवाला देते हुए 2020 से मलेशिया के अंदर उसके भाषण देने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। जुलाई 2016 में देश छोड़कर भागने के एक साल बाद भारत ने जाकिर नायक का पासपोर्ट रद्द कर दिया था। तब जाकिर नायक ने दावा किया था कि वो एक NRI था। 1990 से जाकिर नायक और उसकी संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन चर्चा में है। भगोड़ा जाकिर पीस टीवी का संस्थापक भी रहा है। कथित तौर पर पीस टीवी के पास 100 मिलियन से ज्यादा व्यूअर्स हैं। भारत में कानून से बचने के लिए नायक भाग खड़ा हुआ। जाकिर नायक के आतंकी कनेक्शन को देखते हुए जाकिर नायक के पीस टीवी को बांग्लादेश, भारत, कनाडा, श्रीलंका और ब्रिटेन में बैन कर दिया गया है। हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलने वाले जाकिर नायक पर आतंकवाद की सरपरस्ती का संगीन आरोप है। जाकिर पर डायरेक्ट तौर पर ISIS जैसे दुनिया के सबसे बड़े आतंकी संगठन से साठगांठ के आरोप लगे हैं। तभी तो उसने धर्म परिवर्तन कराकर आतंकियों की सप्लाई की। इतना ही नहीं, जाकिर पर युवाओं को बरगलाकर आतंकी हमला कराने के आरोप लगे हैं। टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के भी केस चल रहे हैं। ऐसे हैवान को कतर ने विश्व मंच पर जगह दी है। इससे कतर जैसे देश की कट्टरपंथी सोच की पोल खुल गई है।